अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दार एजुकेशन के जैन बेस्ड सर्टिफिकेशन ट्यूटोरियल के अंदर हम एक्सएमएल एक्सटेंशन की पर बात कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे, लिखा होगा क्रिएट एक्सएमएल पार्सर्स प्लस प्रॉम्प्ट्स एंड डिफाइन कॉरेस्पॉन्डिंग हैंडल्स। अब यहाँ पे दो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने पार्सर का नाम सुना हुआ हो, लेकिन पार्सर करता क्या है ये नहीं आप तो इसको फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा आपने जो पैराम की हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज है। इसलिए हम डार एजुकेशन पे आ जाएं। सबसे पहले हम देखें कि बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज डेफिनेशन है क्या। मार्कअप रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और अदर सिंबल दैट यू इंसर्ट एट अ सर्टेन प्लेसेस इन टेक्स्ट और वर्ड प्रोसेसिंग फाइल टू इंडिकेट हाउ अ फाइल शुड लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड और डिस्प्लेड और टू बी डिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर। द मार्कअप इंडिकेटर्स आर ऑफन कॉल्ड टैग्स, जो हमने लास्ट पे बात की थी। ये जस्ट एक रिवीजन थी ताकि आपकी मार्कअप डेफिनेशन के हवाले से आपकी ये बात जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज पार्सिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी उसको समझने के लिए कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज होती क्या है, इससे पहले हमें जाना होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली सिर्फ दो चीजों को समझता है, एक जीरो और एक वन को। फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी पार्सर, सी जी आई लैंग्वेज, कॉमन गेटवे इंटरफेस लैंग्वेजेस और सिंटैक्टिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल। वो जो स्ट्रिंग ऑफ सिंबल जिसको हमने एनोटेटिंग कहा था उसको पढ़ने का काम जो है वो पार्सर करता है, आइदर इन नेचुरल लैंग्वेज और इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? वन और जीरो की फॉर्म में, और नेचुरल लैंग्वेज जो आप जो लिखते हैं वो एक नेचुरल। कंफर्मिंग टू द रूल्स ऑफ फॉर्मल ग्रामर, जिस तरह से ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वैसे ही आपके यहाँ पे। द टर्म पार्सिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब पार्स, इसका मतलब है ऑरिटोनियस मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। अब मेरे ख्याल में पार्सिंग का आपको मतलब पता चल गया कि ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है कि स्पीच, पार्ट ऑफ अ स्पीच। अब हम आगे चलते हैं पार्सिंग के और डिटेल में ताकि हमारे लिए ये चीज कवर हो जाए। पार्सिंग की सिंटैक्टिकल सिंपल के ऊपर हमारी बात हो गई है। टू पार्स इज टू एनालाइज समथिंग इन अ ऑर्डरली वे। एनालाइज क्या होता है? आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, एक टेक्स्ट आ रहा है, आपने उसको पढ़ना है। हेलो आमिर एंड बिलाल, हाउ आर यू, व्हाट इज आर यू डूइंग। इसमें जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो पहले आप पहला टेक्स्ट उठाएंगे, हेलो इसका मतलब है हाय है, मतलब क्या हालचाल है, आमिर एंड बिलाल, यानी आप एक ऑर्डर से चीजों को कन्वर्ट करते हैं। दैट वाज नोन एज ऑर्डरली एनालिसिस। ये नहीं है कि आप बीच बीच में से अल्फाज को उठा के करें, आपने एक ऑर्डर में चीजों को पढ़ना है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम कभी लैंग्वेज लिखते हैं और हम सेमी कोलन भूल जाते हैं या हम कभी अगर टैग लगाना भूल जाते, बंद करना भूल जाते, तो वो हमसे इसके ऊपर एरर करता है। क्या वो नहीं हो ये करंट पासवर्ड अभी मैंने दिया था पाकिस्तान अच्छा जी डिवाइड अच्छा टू पार्स इज टू डिवाइड वर्ड एंड फ्रेजेस इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड मीनिंग। अब जैसे अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ आपके साथ, तो मैं इसके छोटे छोटे हिस्सों में उसको तर्जमा कर रहा हूँ, तो बेसिकली दैट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्स कर रहा हूँ। कंपाइलर में एक फर्क है, कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है, पार्सर में छोटे छोटे हिस्सों में जाता है और वो उसको सिंटैक्टिकली ऑर्डरली इसको एनालाइज करता है एंड देन फाइंड इट इन ऑर्डर। अच्छा इंग्लिश स्टूडेंट्स आर समथिंग समटाइम आस्क्ड टू पार्स अ सेंटेंस बाय डिवाइडिंग इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड देन इनटू डिपेंडेंट फ्रेजेस मॉडिफाई एंड सो फॉर्थ, जिसको हम कहते हैं ना वो आप लोगों ने टेंसेस पढ़ते होते थे तो वो एक होता था एक्टिव टेंस, एक पैसिव होता था, वो चीज। इन जनरल अ पार्सर समवन राइटिंग अ स्पीच सिंपली मींस टू इंटरप्रेट, जो किसी ने लिखी हुई स्पीच है उसको आपने तब्दील करना, इंटरप्रिटेशन करना। इन कंप्यूटर्स टू पार्स इज टू डिवाइड अ कंप्यूटर लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू पार्ट्स
and then can be made useful for the computer. A parser in a program compiler is a program that takes each program statement that a developer has written and divide it into parts. For example, the main command, if key command, option, target objects, their attributes, so forth, that they can be used to developing further actions for creating the instruction that form an executable program. This is a parser. और मेरे ख्याल में अगर आप अब इसकी चलेंगे तो एक लफ्ज आपका XML parser. XML की extensible markup language की जो language है वो XML के meaning आपको पता है annotating notations के साथ आपकी syntactically के साथ है उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में पास कर लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू का अगला मरला जो है वो params के साथ आ रहा है जो लिखा आ रहा है ये क्या चीज होती है मेरे ख्याल में parser clear हो गया आपका अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं जी व्हाट इज पार्स द पराम टैग डिफाइन अ पैरामीटर टू सेट ऑन द पैरामीटर सर्वर पैरामीटर को हम पार्स कहते हैं आप इसको जब सी शार्प बनाते हैं फंक्शन बनाते हैं तो आप उसमें आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करते हैं कि नहीं करते जिस तरह से हम PHP के अंदर बना रहे थे तो हम उसमें हमने क्लास बनाई उसके आगे हमने उसके आर्गुमेंट्स बनाए और वो पैरामीटर्स हमने उसको इंस्टेड ऑफ वैल्यू यू कैन स्पेसिफाई अ टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल और कमांड एट्रीब्यूट है ये भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट भी बनाए जाते हैं आज मैं इसको यही तो दिखा रहे हैं कुछ भी हो सकता है एट्रीब्यूट टू सेट द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर द प्रॉम्प्ट टैग कैन बी पुट इनसाइड अ नोड टैग In which case the parameter is treated like a private parameter. You can also set private parameter across a group of nodes by using the param syntax. In a param tag, the declared parameter will be set as a local parameter in the node tag that allow that are like the same scope. अब अगर आप जैन के ऊपर आए तो मेरे ख्याल में अब आपको ये params की समझ आ गई अब नीचे जो है वो है XML underscore parser underscore create एक फंक्शन XML underscore parser underscore create underscore ns namespace port XML underscore set underscore element underscore handler see the function in the PHP manual so these are the XML objects which are present there तो so parser की समझ जाना था आपको और param को समझाना था thank you very much and Allah Hafiz